everyone out there. This is Shweta, your trainer. I hope you all the people are doing well that side. And of course, अभी भी लॉकडाउन का समय चल रहा है. लॉकडाउन अभी तक खत्म नहीं हुआ. एंड आई होप कि आप लोग अपने टाइम को बहुत ही प्रोडक्टिव तरीके से बिता रहे हैं. As I'm, yes. You forgot your phone there. Oh, thank you very much. How nice of you. Thank you. Okay, तो मैं क्या बात कर रही थी? Oh yes, about books reading. I'm also reading books these days. But I think I had a pencil inside it. I lost it. Excuse me. Yes. Can I get that pencil on the table? Yes, sir. Thank you very much. And the pen drive as well. Thanks a lot. I got. Okay. मेरे ख्याल से थैंक यू थैंक्स अ लॉट. ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? जब भी लाइक कोई आपको कोई चीज़ पास आउट करता है तो आप हमेशा उसको आंसर देते हैं थैंक यू थैंक्स अ लॉट. तो मेरे ख्याल से थैंक यू की जगह पे और भी वर्ड्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं इन आर डे टू डे लाइफ. सो आज का वीडियो भी इसी चीज़ के बारे में है. द वर्ड्स which we use in the daily life, but हम उन words से bore हो चुके हैं. जैसे कि मैं thank you words से bore हो चुकी हूँ. I don't want to say thank you to the persons. In spite of that, I want to use new words. So आज की video में मैं आपके लिए लाई हूँ the new words of day to day life. So let's begin. चलिए start करते हैं first word से. चलिए हम ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट फर्स्ट वर्ड थैंक यू से ही करते हैं. जैसा कि आपने देखा कि व्हेन अ पर्सन रिटर्न्ड माय फ़ोन तो उसको मैंने थैंक यू बोला. व्हेन माय पेंसिल वाज रिटर्न्ड टू मी, मुझे पेन ड्राइव दिया गया और मैंने वर्ड्स को यूज़ किया थैंक यू. हालांकि मैं थैंक यू वर्ड्स को यूज़ नहीं करना चाहती हूँ. और आज मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर मैं थैंक यू नहीं यूज़ करती तो मैं उसकी जगह पर कौन से वर्ड्स यूज़ करती. सो द फर्स्ट वर्ड इज़ मच ऑब्लाइज्ड. थैंक यू नहीं कहना तो आप कह सकते हो मच ऑब्लाइज्ड. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे फ़ोन रिटर्न किया गया तो अगर मैं उसको थैंक यू ना बोलती तो आई वुड हैव यूज्ड द वर्ड आई एम मच ऑब्लाइज्ड. एंड द सेकेंड वर्ड इज मच मेलाइंड. मच ऑब्लाइज्ड यूज कर लो, मच मेलाइंड यूज कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है. सो इन द सेम मैनर यू कैन यूज द वर्ड ग्रेटफुल. ग्रेटफुल का मतलब ये होता है आई एम थैंकफुल. So in spite of using the word thank you, you can use these three words. If a person says you thank you, what do you say in return? You're welcome. Yes, the second word is you're welcome. तो अभी हम देखते हैं कि you're welcome की जगह पे हम कौन से words का इस्तेमाल कर सकते हैं. The first word you can use in the place of you're welcome is no problem. Like for example, someone says thank you and you say no problem. Second word is no worries. Thank you, no worries. The third word is my pleasure. Thanks a lot, my pleasure. And the fourth word is forget it. Thanks, oh forget it. So हमने thank you की बात भी कर ली, हमने you're welcome की बात भी कर ली, अब किस word की बात करें? What's this? Oh, it's my pet dog. I'm sorry for that. चलिए हम बात करते हैं sorry word की ही. अब मैं आपको बताती हूँ कि sorry word की जगह भी आप कौन से words use कर सकते हैं. वैसे sorry एक ऐसा word है जिसको हम जहाँ भी use कर लें वहाँ पे ही we like our relations are more maintained in a well manner. So like हम अपने relations को बचा सकते हैं by using a single word that is sorry. अगर आपसे कोई गलती हो जाती है एंड यू जस्ट से सॉरी तो द नेक्स्ट पर्सन गेट्स हैप्पी कि नहीं, अब उसने माफ़ी मांग ली है, नाउ ऑल इज़ वेल. अब सॉरी की जगह पे हम कौन से वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? द फर्स्ट वर्ड इज माई बैड. माई बैड का मतलब अगेन सॉरी, मतलब मैंने गलती की, आई एम सॉरी. एंड द सेकेंड वर्ड इज उप्स. उप्स या फिर वुप्स.
ये वर्ड हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ से पे हमसे छोटी सी गलती हो जाती है, जैसे कि हम कोई ग्लास ब्रेक कर देते हैं, तो एट दैट टाइम इन स्पाइट ऑफ यूजिंग द वर्ड सॉरी हम कह सकते हैं वुप्स। एंड द थर्ड वर्ड इज आई बेग योर पार्डन। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मीटिंग में बैठे हैं एंड लाइक यू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल एंड वो अटेंड करनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है एंड यू हैव टू टेक अ लीव फ्रॉम दैट मीटिंग फॉर जस्ट फ्यू मिनट्स, सो यू कैन से आई बेग योर पार्डन आई हैव एन इम्पॉर्टेंट कॉल। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन द प्लेस ऑफ सॉरी। हमारी लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें हम लोग बहुत खुश होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अपना नया फ़ोन मिल गया एंड यू से टू योर मदर आई एम वेरी हैप्पी टुडे। आपको अपना लैपटॉप मिल गया, नया लैपटॉप पापा ने ला के दे दिया एंड यू से आई एम वेरी हैप्पी टुडे। सो यू जस्ट यूज द वर्ड हैप्पी इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस योर हैप्पीनेस टू अदर्स। क्या आपके पास कोई और वर्ड है हैप्पीनेस को शो कराने के लिए और यू जस्ट से आई एम हैप्पी टुडे? तो आज मैं आपको हैप्पी की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं वो बताऊंगी। सो द फर्स्ट वर्ड और आई शुड से द फर्स्ट idiom जो कि हैप्पीनेस को दिखाता है दैट इज ओवर द मून। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोन की बात करती हूँ, मुझे अगर आज नया फोन मिल गया तो आई कैन से द लाइन एज आई हैव गॉट माई न्यू फोन आई एम ओवर द मून टुडे। एंड द सेकेंड idiom दैट यू कैन यूज इज इन सेवंथ हेवन। मैं सेम एग्जाम्पल को यूज करूंगी, आई गॉट माई फोन टूडे आई एम इन द सेवंथ हेवन। एंड द थर्ड वर्ड, दिस इज नॉट एन idiom, इट्स द थर्ड वर्ड दैट इज beatific, आई एम beatific टूडे। एज यू ऑल नो दैट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ roses। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पे हम थोड़े दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। एंड अभी मैं आपको वर्ड बताने जा रही हूँ वर्ड ऑफ सैड। सैड मतलब दुखी हो जाना। एंड द फर्स्ट वर्ड दैट यू कैन यूज इज ग्लूमी, GLOOMY। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब दुखी होते हैं तो सोशल साइट्स के पे हम स्टेटस डालते हैं बाय टाइपिंग फीलिंग सैड। सो फीलिंग सैड की जगह पे आप यूज कर सकते हैं फीलिंग ग्लूमी। एंड द सेकेंड वर्ड दैट यू कैन यूज इज डाउनकास्ट। फॉर एग्जाम्पल आप यू कैन से टू योर फ्रेंड जो कि लाइक ही हैज़ कम टू यू फॉर गोइंग टू अ मूवी, तो यू कैन से आई एम नॉट इन अ मूड टुडे आई एम डाउनकास्ट। एंड द थर्ड वर्ड और आई शुड से फ्रेज दैट यू कैन यूज इज डाउन इन द माउथ। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से ही इज डाउन इन द माउथ बिकॉज ही हैज़ गॉट लॉस इन हिज बिजनेस। सो दिस इज हाउ यू कैन यूज दीज वर्ड्स इन द प्लेस ऑफ सैड। तो अभी टाइम हो गया है जाने का, बाय कहने का। वेट, बाय कहने के लिए भी मैं आपको वर्ड्स बोल देती हूँ कि लाइक जब भी हम किसी से विदा लेने का टाइम होता है तो हम उसको सिर्फ एक ही वर्ड बोलते हैं बाय। तो बाय की जगह पे जो वर्ड्स यूज कर सकते हैं वो भी मैं भी आपको बता देती हूँ। द फर्स्ट वर्ड दैट यू कैन यूज इज टुडलू। टुडलू सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा सा फनी लगता है, बट आई थिंक this word is good to say bye to the other person. It's toodaloo. And the second word is tara. The spelling is quite small, T-A-R-A, tara. And the third one is good day. Good day word आपने बहुत बार सुना होगा। जब भी ये word जो है ये professional या formal तरीके से use किया जाता है, in spite of saying bye, people use good day. वैसे बाय को बोलने के लिए एक और वर्ड है जो कि सच में फनी है, मुझे तो बहुत फनी लगता है और शायद आपको भी फनी लगे जब मैं आपको बताऊं। एंड दैट वर्ड इज पिप पिप। इकट्ठा बोला जाए तो पिपिप, पिपिप का मतलब है बाय। तो अगर मुझे आपको बाय बोलना हो तो मुझे बाय वर्ड अगर ना यूज करना हो आपको बाय कहने के लिए, सो आई कैन से पिपिप। सो दीज वर ऑल द वर्ड्स जो कि हम बोरिंग वर्ड्स को छोड़ के इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और पता है ये वर्ड्स आपकी लैंग्वेज को और रिच बना देंगे और अच्छा बना देंगे और सामने वाले पर्सन को सुनने में भी अच्छा लगेगा कि सच में योर लैंग्वेज इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर पर्सन। सो इट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप दिस वीडियो स्टैंड्स क्वाइट प्रोडक्टिव फॉर यू ऑल।
If you want to watch more videos like this, subscribe this channel, like this video and share this video with everyone, every person in your house, every friends of yours. So, toodaloo!